कैसे हो आप सब? टाइम हुआ है, टाइम का तो मेरे पास वॉच नहीं है, अप्रोक्स 6 AM के आसपास टाइम हुआ है। और भाई रात को अंकल यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी कि कमरे नहीं मिल रहे थे। रात को अंकल ने ना मेरे को बढ़िया यहाँ पे ब्लैंकेट और वो सब दे के गद्दे वद्दे सुला दिया। और ये चूल्हा जहाँ पे अपने रोटी खाई, मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि भाई मध्वेश्वर टेम्पल में रहने की सुविधा इतनी नहीं है, 200 लोग आ जाते हैं भैया, आधे तो बेचारे ऐसे कैंपों में पड़े हैं, बिल्कुल भीड़ हो जाती है। नहीं है यहाँ पे, ये लोकल्स ही हैं जो हेल्प कर देते हैं, वरना भैया बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। तो कभी आप ये सोच के आ रहे हो कि भैया चलो मुँह उठा के शाम को सीधा हम मध्वेश्वर में जाके रुकेंगे, ऐसा मत करो। अगर 12 बजे के बाद अगर आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो तो नीचे कहीं रुक जाओ, ताकि यहाँ मंदिर के आसपास जितने भी लोकल्स हैं, जितने भी घर हैं, उनके अंकल जैसे अंकल हैं, अंकल जैसे लोगों के ऊपर जोर ना पड़े। यहाँ पे रहने की इतनी जगह नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है, और कोई भी यूट्यूबर ये सब बातें नहीं बता रहा भाई। तो आप लोगों को नीचे जगह मिलती है तो आप नीचे जगह रुक जाए, फिर अगले दिन अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और ठंड भी हो रही है अच्छी खासी। रात को तो मेरे को तो खूब ठंड लगी। अंकल कुछ कहना चाहोगे पब्लिक को आपकी, बेटा ऐसे ऐसे रुक सकते हो आप, नीचे रुका करो? अभी तो बोलना क्या है, उसमें ये है कि आदमी को ये सोच के ही चलना चाहिए कि भाई देखो 2 बज गया और पब्लिक इतनी जा रही है ऊपर, हाँ। तो हमारी असुविधा हो जाएगी, इसलिए जो है नीचे बंतोली रुकने के लिए, गोंडा रुकने के लिए, नानो रुकने के लिए, खटारा रुकने के लिए, सब जगह रुकने के लिए पब्लिक एकदम मन बना के मध्वेश्वर आने के लिए 12 बजे तक आती है, 1 बजे तक आती है भाई। देखो इतनी परेशानी होती है लोगों को, तो ये ना करें लोग। और ये जो फॉरेस्ट गार्ड वाले इनकी बात भी ना माने की भाई जाओ, माने वो मानने की बात नहीं, वो तो काउंटिंग करेंगे, वो उसका काउंटिंग का काम है बस, और क्या है उनका। क्योंकि आपका मैसेज है ना, कुछ तो लोग देखेंगे ताकि उनको सीख मिलेगी कि भाई हाँ वहाँ के लोकल ने बोला है अंकल ने, तो ठीक ही है। रुकने की जगह तो सब जगह है भाई, रुकने की हम नहीं ये सोचते हैं कि 12 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट करिए, 12 बजे रांची से चल रहे हैं और 12 बजे रात यहाँ 1 बजे रात आ रहे हैं, तो स्वयं भी परेशान और लोकल्स भी परेशान। यहाँ पे अगर यात्रियों की व्यवस्था ना करो तो वो गलत मैसेज आता है, गलत मैसेज आता है बिल्कुल। और रहने की जगह नहीं होती, 200 बंदों की मैक्सिमम होगी अंकल, 200 की भी नहीं, 200-250 मैक्सिमम, वो भी ऐसे एडजस्ट करके, जैसे यहाँ पे सुला दिया उधर सुला दिया ऐसे करके, अपना जगह नहीं है भाई, तो थोड़ा अपना सोच समझ के तब आओ भाई। उतना यहाँ पे सुविधा न होने के कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाने नहीं देता बिल्कुल। ये तो हमारे पुराने बने हुए मकान है, गौशालाएं हैं, ये है, इसमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है तो हमारे पहले से गाय भैंस रहती है और उन गौशालाओं पे हम गुजारा कर रहे हैं। तो ये बेसिक बातें ना आप अपने ध्यान में रख के फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करें, ऐसे नहीं कि सीधा मुंह उठा के चल पड़ो कि सीधा मंदिर जाके बस वहाँ पे रुकेंगे, ऐसा नहीं, आराम से सबसे पूछते हुए तब आप यहाँ पे आएं। मैंने अभी तक ना चूल्हे के ऊपर बनी हुई मैगी नहीं खाई, अंकल के हाथों की खाएंगे। यहाँ पे आपको गैस का कुछ भी नहीं मिलेगा, सबके पास चूल्हा ही है ना अंकल, गैस का तो कुछ लॉजिक होगा, यहाँ बहुत मुश्किल लेके नहीं आते होंगे ना, कोई भी दिक्कत होती है ना उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो महंगी पड़ जाती है ज्यादा, पड़ते नहीं है वहाँ पे, टर्निंग लेके वहाँ पर नहीं बना हुआ था, बहुत अच्छा अच्छा अंकल का होटल है पूरा ना, हाँ होटल है, विश्व होम स्टे, खाना रहना सारा है अंकल का ना, खुद का होटल है। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? बंतोली पे है विश्व होम स्टे मेरा, जो कि पुल से 50 मीटर ऊपर जी हाँ। तो आप वहाँ पे आराम से आए और विजिट करें और रुके आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप तो नहीं होते होगे ना वहाँ पे, आपने रख रखा लड़के हैं मेरे, हाँ। लड़का है वहाँ पे, अच्छा, फैमिली है मतलब, हाँ। बंतोली पे जी हाँ, नियर पुल के पास में, 50 मीटर थोड़ा ऊपर। मैंने आप लोगों को मंदिर नहीं दिखाया था रात को, तो लाइट की वजह से इतना नहीं दिख पाया, तो अभी आप सबसे पहले मंदिर देख लो। मंदिर सुबह आके आरती 7 बजे स्टार्ट होती है, अभी मंदिर नहीं खुला है, अभी टाइम 6:16 हुआ है। और ये सामने देखो मंदिर का, अभी मेरे को जाना है बूढ़ा माधवेश्वर मंदिर, वहाँ पे ऊपर ये ट्रैक करके 1 घंटे या 40 मिनट का रास्ता है जाने जाने का, हर हर महादेव अंकल, और 1 घंटा या 40 मिनट का आने का ट्रैक है। तो पहले अभी टाइम है तो ऊपर जाते हैं, ऊपर से
मंदिर में दर्शन करके फिर नीचे आएंगे, तब तक आरती स्टार्ट हो जाएगी, देन आरती लेके और फिर अपन अपने बाइक के पास नीचे डी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे, भाग जाएंगे, 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे नीचे। हर हर महादेव भाइयों, हर महादेव, हर महादेव। शनिदेव जी जय हो, शनिदेव आज की जय। सारे कितने खूबसूरत नजारे हैं ना भाई, एकदम दिल खुश हो गया है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आरती लेके फटाफट अपने है ना नीचे की तरफ भागता हूँ, ताकि उखी मठ चोपटा, चोपटा से अपनी फिर टुंगनाथ के लिए चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। टुंगनाथ ज़्यादा नहीं है, 3.5 किलोमीटर है, और रात भर भैया आराम से सो के सारी थकावट मिट गई है, मज़े ही आ गए हैं। ज़्यादा खूबसूरत, ठंडी काफ़ी हो रखी है भाई, टेम्परेचर ठीक ठाक है, जैकेट में भी थोड़ी थोड़ी ठंडी फील हो रही है। हर हर महादेव। हो यार ट्रैकिंग में मैगी खाने के बाद और चाय पीने के बाद ना ज़्यादा सांस चढ़ता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बूढ़ा महादेव मंदिर का देखो, वो पीछे से मंदिर के बैक साइड से है, थोड़ा उस साइड से वो बंदे आप देख रहे हो वहाँ पे, वहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर है यहाँ से ऊपर आने का, मैंने क्या लिया शॉर्टकट यहाँ से, बूम 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 बूम, वो भाई चढ़ रहे हैं फिर यहाँ से, थोड़ा रिस्की है, ध्यान से आना क्योंकि आई एम अ रिस्की मैन गाइस। शॉर्ट देख लो कैसा है, ओ ओ ओ ओ ओ या या लेट्स गो। ठीक है यार मेरी स्पीड ट्रैकिंग करने की ना ठीक ठाक है, मैं अंकल बोले कि आप 12 बजे चले और 7:30-8 बजे यहाँ पे आ गए, बोले बिल्कुल फिट आए हो, तो भैया हरियाणा के लौंडे, हरियाणा के लौंडों में कि साथलों में जोर है। हर हर महादेव। ये और भी शॉर्ट जा रहे हैं क्या, नहीं नहीं ठीक है, तो मैं चढ़ तो जाऊंगा, यह सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई, चढ़ जाऊँ क्या, ये रास्ता ऐसे घूम के जाएगा, शॉर्टकट ले दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है यार यही रास्ता, मैं चढ़ तो जाऊँगा यहाँ से भी, आई हैव नो इशू फॉर ट्रैकिंग। एक्चुअल रास्ता देखो वो है वहाँ से, वो ऊपर वो अंकल जा रहे उधर से, वो रास्ता है, मैं अलग ही बूम बूम करके भाग रहा हूँ क्योंकि खड़ी चढ़ाई है ये, चढ़ के देखूँ क्या कुछ होगा तो। लो भैया खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं, देखा जाएगा। वहाँ ना मंदिर की पीक पे जाना है भाई, बिल्कुल पीक पे काफी डिस्टेंस है। हाँ
पर भाई साहब पहाड़ चढ़ेंगे हम तो चढ़ेंगे, पहाड़ चढ़ने हैं, झरने क्रॉस करने हैं, नदियाँ क्रॉस करनी है और बहुत सारा एडवेंचर करना है। यस वैसे अंकल ठीक कह रहे थे, ये थोड़े से घर हैं और इनमें अगर 200-300 आदमी आ जाएंगे, घर भी क्या हैं कुछ उनके वैसे यूज़ के हैं, अगर 200-300 आदमी आ जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे यार, सोचने वाली बात। सही है, सही कह रहे थे वो, तो आराम से आओ, थोड़ी सी अपनी तसल्ली करके आओ कि भाई कितनी भीड़ गई है ऊपर और कहाँ रुकने का बन जाएगा। अगर पहले बन जाता तो वहाँ पे स्टे कर लो और फिर अपनी ट्रैकिंग कर दो एंड देन रिटर्न बैक। भाई शाम को बड़ी मुश्किल होगी थी रुकने के लिए, वो तो अंकल ने मुझे जगह दे दी वरना मैं सारी रात ठंड में मरता यहाँ पे। हाँ अपना अगर आप वो कैंप वैम्प लेके आते हो, बोरिया बिस्तर उठा के लाते हो, वो अलग इशू है, वो तो कोई चक्कर ही नहीं है, चाहे फिर आप यहाँ पे आके अपना कैंप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप नज़ारा देखो। हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे चढ़ा करो ना, ऐसे ऐसे यहाँ से है रास्ता, ये वाला, ये इधर से, ऐसे ये पत्थर से, ठीक है सीधी चढ़ाई होगी ना ये पहाड़ पे मंदिर से सीधा, वरना आपको ऐसे घूम के आना पड़ता, वो फिर लंबा पड़ता है। ऐसे चढ़ो, आप सीधा चढ़ रहे हो ना, ऐसे चढ़ो थोड़ा सा, ये जो छोटा छोटा रास्ता देखो ध्यान से, ये वाला जो रास्ता है ना ऐसे यूं, ये वाला, फिर थकान नहीं होगी। मंदिर से अगर सीधी चढ़ाई करते हो ना, एक रास्ता तो मैंने बता दिया आपको, सीधी चढ़ाई करते हो तो सीधा मत चढ़ो, ये ना ध्यान से देखोगे तो फुटप्रिंट पहले के बने हुए हैं लोकल्स के या लोगों के, तो ऐसे थोड़ा ना, थोड़ा यूं गए थोड़ा यूं गए, ऐसे चढ़ोगे थकावट नहीं होगी। बाकी तो ठीक है, इतनी थकावट भी नहीं हो रही है, थोड़ा सा ओरिजेंटल और वर्टिकल वे में चलोगे तो काफ़ी टाइम बच जाता है यार, एक सीधी चढ़ाई और एक वैसे घूम के आओ, देख लेना बाकी आप लोगों को जो सहूलियत लगे उसके हिसाब से। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अंकल नीचे बता रहे थे कि आप जब बूढ़ा महादेश्वर मंदिर पहुँच जाओगे तो वहाँ से आपको केदारनाथ की बैक दिखेगी, मतलब जो ऊपर का जो मंदिर का एक तो वो है ना, जो मेन ऊपर का जो हिस्सा होता है नुकीला, वो दिखेगा, मैं भूल गया क्या बोलते हैं उसको, और दूसरा क्या है ये बैक है, मतलब केदारनाथ की बैक है, कौन सा मंदिर, मधुमेश्वर टेम्पल, वहाँ से दिख भी जाएगी मे बी। और एक चीज़ और बता रहे थे, पता नहीं क्या बता रहे थे, मैं भूल गया, माउंटेन रेंज को बोल रहे थे कि इनमें से है ना ये आपको ये वाली माउंटेन रेंज दिखेंगी ऊपर से, मैं नाम भूल गया उन माउंटेन रेंज का क्या था, बट कोई बात नहीं, अगर आपको पता चलता है तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा ठीक है। तो छोटी छोटी ये इन्फॉर्मेशन है भाई, इतने बड़े ब्लॉगर नहीं है ना, छोटे मोटे हैं, और ठीक है कुछ चीज़ें आपको पता चल जाए, कुछ मेरी मेमोरीज बन जाए, अच्छा है। फ्लावर देखो छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ बोलते हैं इनको, ये इन्हीं पहाड़ों में होती है, देखो ब्लू वाइट येलो है ना, था ये एग्ज़ाम निकालना है और मेहनत करनी है, ये करना है वो करना है, पैसे कमाने हैं, मेरे मन में भी यार पैसे कमाने, घर वाले पैसे कमाओ शादी करो, दुनिया भर की एंजाइटी प्रेशर दिमाग ख़राब है, मेरे को तो नहीं था ये इतना सब क्योंकि मैं इतना सोचता नहीं हूँ, लेकिन है काफ़ी पब्लिक जो ऑफिसों में बैठी है, सिर्फ पैसा कमाना है और बूढ़े होके मर जाना है। भाई मैं यहाँ पे आया, मैं भूल गया, एक तो यहाँ पे घर वालों से कनेक्शन ही टूट जाता है, भगवान कहते हैं ये फालतू की मोह माया है, मैं कनेक्शन तोड़ देता हूँ, कनेक्शन टूट गया, किसी का कोई फ़ोन नहीं, कुछ मैसेज नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस नेचर और आप, और यहाँ पे आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा पीछे का, क्या क्या नौकरी लेनी है, क्या ऑफिस में कुछ काम चल रहा है वो रह गया है, मेरे को बच्चे संभालने हैं, चलो मेरी तो शादी नहीं हुई है, जिसकी होगी उसको बोल रहा हूँ, या फिर ठीक है गृह जीवन में ये सब करना होता है, लेकिन कहने का मेरा मुद्दा ये है कि भाई यहाँ पे आने के बाद बंदा ये सोचता है कि सिर्फ इस जीवन में हम ही हैं और इसके अलावा कुछ है नहीं, वो तो बाकी सब बस ऐसे जीने के लिए सारे षड्यंत्र हैं,
ताकि ठीक ठाक जो घर पे पड़े उनका टाइम पास हो जाए। बाकी तो यही है असली जीवन। तो महादेव ये शांति और ये नेचर और आप, ये फालतू का ज्ञान तो नहीं था, बस ठीक है मन की भड़ास थी, सोचा बोल दूं। लेकिन टोटली इतना खुश हूँ ना यार, बस पूछो मत, बता ही नहीं सकता कितना खुश हूँ। स्टार्ट हो गई है बट कोई बात नहीं, आरती नहीं ले पाऊंगा मैं, इट्स ओके। हाँ आ रही होगी आपको आवाज, आरती यहीं से अटेंड कर लेते हैं यार, आवाज तो आ रही है आराम से। ओ नमः। देखो अगर आप लोगों ने सुबह आरती लेनी है ना, तो भाई 6 बजे के बाद बूढ़ा महादेश्वर की ट्रैकिंग मत करो, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट तो लग जाती हैं, तो आपकी आरती मिस हो जाएगी जैसे हमारी होगी। कोई बात नहीं, आरती मिस वैसे सुनाई देगी आपको, लेकिन अगर आपको बिल्कुल मंदिर में रह के ही आरती अटेंड करनी है, तो आप आरती लेने के बाद फिर अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। बूढ़ा कोई बात नहीं, आरती होगी तो कोई बात नहीं। मिश नमो नमः नमो नमः। आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे जितने ज़्यादा तीर्थयात्री जो ट्रैकिंग के लिए या भगवान के दर्शन के लिए आए हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा साउथ वाले हैं यार। हरियाणा का, राजस्थान का, कोई दिल्ली का है, बहुत कम रेशो में है। जहाँ सुनो ये साउथ वाले या फिर असम से, ये ज़्यादा हैं यहाँ पे मेजोरिटी में, साउथ वाले और वेस्ट बंगाल वाले भी। हम तो, मैं हरियाणा से मैं हूँ, एक पीछे मेरे को 1-2 लड़के और मिले थे हरियाणा से, बाकी दिल्ली से थे, और एक आप राजस्थान से। राजस्थान का अकेला बंदा हूँ। अकेले बंदे हो, श्योर हो आप इस बात में? हाँ जी कन्फर्म है। कन्फर्म है जी, कोई देख लो भैया अकेले ही हैं बस, और तो कोई नहीं राजस्थान से। और लेकिन जहाँ आप देखोगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल से, साउथ से, मतलब असम से, भाई साहब बहुत ज़्यादा। देखो ये सामने आपको जो लाल झंडा दिखेगा, ये है बूढ़ा महादेश्वर टेम्पल, और यहाँ से आने के बाद ना आपको मंदिर दिखना बंद हो जाएगा। और सामने मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा उस जो रेंज है माउंटेन्स की, जो बर्फ़ से पूरी कवर है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ वहीं पे है, स्टार्ट हो जाती है मतलब फिर आगे होगी। ये केदारनाथ जी का बैक साइड है। हाँ वो ऊपर से कह रहे थे ना अंकल की दिखेगा आपको, जो मंदिर का जो टॉप है वो दिखेगा आपको, तो वो भी कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने की। वैसे मुझे लगा मंडी सी होगी, लेकिन ठीक ठाक बना रखा है मंदिर। हर हर महादेव। हो दिख गया होगा छोटा सा मंदिर, आ जाओ। चलो आप आगे चलो, अभी भैया पढ़ देंगे। हर हर महादेव यही मंत्र है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्तम गतोपि वा यः सम्राट पुण्डरीकाक्षं सभारावेन्द्रं शुचिः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पुण्डरीकाक्षाय नमः। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चसा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चसा। ज्योति सूर्यो सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम अग्नितुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वर्णं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथकं। ओं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओं विष्णवे नमः। ओं नारायणाय नमः। ओं नमो भगवते रुद्राय नमः। ओं अस्तोमं तं सोमा
ओम अस्तोमा सद्गम्यो तमसोमा ज्योतिर्गम्यो मृत्युर्मा अमृतम गम्यो। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो यमते मम मत्वा शमस्वा परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूज्यतम मया देवी परिपूर्णा तदस्तु मे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वाह भैया वाह, इसका मतलब तो बड़ी देखे कमाल कर दिया भाई साहब ने तो आधा घंटा पहले आते आप इधर ही बैठ जाते पीछे। नहीं नहीं सच में पूरा याद रखते हो आप, हमें याद बस थोड़ा कोशिश करते हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छे से किया है। हर महादेव। They are really enjoying here. Ajo, ajo.